जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने माता वैष्णो देवी की त्रिकूट पर्वत की सबसे ऊंची पांडव चोटी पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलब्ध में मां भगवती का विजय पताका फहराया, प्रधानमंत्री पर आशीर्वाद बनाए रखने की कामना किया। रविंद्र रैना खुद बता रहे हैं कि आखिर वो पर्वत पर क्यों चढ़े, आइए उन्हीं से सुनते हैं। माता वैष्णो देवी जी के त्रिकूट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पांडव चोटी के नाम से जो जानी जाती है, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हमने माता वैष्णो देवी जी के त्रिकूट पर्वत की इस सबसे बड़ी चोटी पर यह विजय पताका फहराकर माँ वैष्णो देवी जी से प्रार्थना की है कि माँ भगवती हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर अपनी पूरी कृपा दृष्टि बनाए, माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ रहे, जो भारत के लिए इस मातृभूमि के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। माँ भगवती जी का आशीर्वाद हमारे देश पर, देश के करोड़ों करोड़ देशवासियों पर हो, और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर माँ की अपार कृपा दृष्टि हो, यही प्रार्थना करते हुए आज हमने माता वैष्णो देवी जी के त्रिकूट पर्वत की सबसे बड़ी ऊंची श्रृंखला जो है पांडव चोटी के ऊपर यहाँ विजय ध्वजा फहराई है, और हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती का आशीर्वाद पूरे संसार की मानव जाति पर, पूरे संसार के प्राणियों पर माँ भगवती की कृपा हो और सबका विश्व का कल्याण हो, और भारत विश्व का गुरु बने, विश्व गुरु भारत बने, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की दीर्घायु हो और वो हमेशा विजय की ओर बढ़े, यही प्रार्थना करते हुए आज हमने त्रिकूट पर्वत के ऊपर माता वैष्णो देवी जी के दरबार के बिल्कुल सामने यहाँ माँ भगवती जी का, माँ वैष्णो देवी जी का दरबार है, उससे बिल्कुल सामने लगभग 7,000 फीट से भी ऊंची इस चोटी के ऊपर माँ भगवती जी का ये विजय पताका हमने आज फहराया है, क्योंकि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। करोड़ों करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस की बधाई, और माँ भगवती जी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं कि भारत विश्व गुरु बने और हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, और इसी प्रकार मजबूती से भारत को विकास की ओर और मजबूती की ओर ले जाएं।